अभी आईपीटीवी सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह भारतीय टीम से संन्यास लेकर अब विदेशों में धूम मचा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप युवराज सिंह को दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेकर अब कनाडा में T20 लीग खेल रहे हैं और वहां धूम मचा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दे, युवराज सिंह को कनाडा की T20 लीग में टोरंटो नेशनल की टीम ने अपना कप्तान बनाया है। मतलब युवराज सिंह अपने बल्ले के साथ साथ अपने कप्तानी में भी जलवा बिखेरेंगे। दोस्तों, युवराज सिंह का बतौर कप्तान इस लीग का पहला मैच अच्छा नहीं रहा था। वे क्रिश गेल की टीम से हार गए थे और युवराज सिंह भी अपने बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके थे। युवराज सिंह इस मैच में 27 गेंदों में मात्र 14 रन ही बना पाए थे। लेकिन दोस्तों, दूसरे मैच में युवराज सिंह ने अपनी कप्तानी और बल्ले दोनों से जबरदस्त वापसी की और केन विलियमसन की कप्तानी वाली एडमोंटन रायस टीम को रोमांचक मैच में हरा दिया। दोस्तों, इस मैच में युवराज सिंह ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, लेकिन युवराज सिंह का यह फैसला फॉफ डु प्लेसी, मोहम्मद हाफिज जैसे खिलाड़ियों ने गलत साबित कर दिया। फॉफ डु प्लेसी ने 18 गेंदों में 28 रन बनाए, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के बेन कटिंग ने मात्र 24 गेंदों में नाबाद 43 रन बना दिए और टीम का स्कोर 20 ओवर में 191 रन पहुंचा दिया और 21 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 35 रन ठोक डाले। और जब लग रहा था युवराज सिंह इस मैच को जिता देंगे, तभी वे कैच आउट हो गए। तब टीम का स्कोर 85 रन पर 3 विकेट था और युवराज सिंह के जाने से टीम एक बार फिर संकट में आ गई, क्योंकि किरण पोलार्ड भी आए और चले गए। उन्होंने 4 गेंद में 2 रन ही बनाए। फिर टीम 126 रन पर 7 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी और मैच को लगभग हार ही गई थी। लेकिन तभी भारत के एक और खिलाड़ी ने मोर्चा संभाल लिया और ताबड़तोड़ रन बनाए। जी हां, भारत के मनप्रीत गौनी ने मात्र 12 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 33 रन ठोक डाले और टीम के स्कोर को 165 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी टीम को 17 गेंदों में 27 रनों की जरूरत थी और सिर्फ 2 ही विकेट बचे थे, लेकिन बॉलरों ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए एक ओवर पहले ही मैच को जिता दिया। दोस्तों, इस तरह युवराज सिंह ने अपने दूसरे ही मैच में जबरदस्त जीत हासिल की। दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह की टीम को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि युवराज सिंह अपने कप्तानी में खिताब जीते, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।